कपकोट तहसील के अंतर्गत ग्राम कीमू निवासी एक छात्रा की खाई में गिर जाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों की सूचना पर कपकोट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। मृतका के परिजनों ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज रातिरकीटी की 12वीं की छात्रा हेमा दानू गत दिवस घर से स्कूल की तरफ जा रही थी। उन्होंने बताया कि रास्ते में खाई में गिर जाने से उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद ही मौत की असल वजह का पता चल सकेगा। इधर घटना के बाद किशोरी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कपकोट के ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देते हुए मामले की जांच करने की मांग की है। अभी इन कीमू से गोगिना होती हुई है और रातिरकीटी इंटर कॉलेज में आ रही थी, तो आते आते रास्ते में जो है चलते चलते चक्कर आया, क्या हुआ वो नहीं कह सकते हैं, वैसे गिर गई है। और इनका नाम हेमा है, हेमा दानू, और उम्र 18 साल लगभग 18 साल। ये 12वीं में पढ़ती थी, ये इंटर कॉलेज रातिरकीटी जी। और इनके पिताजी का नाम माधव सिंह दानू, ग्राम कीमू। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट वहीं से वो हो गया था। फिर और घटनाक्रम की जांच में वहाँ थाना कपूर से आए थे, शामा कपूर से। हाँ, तो आते आते वहाँ वहीं दम तोड़ती थी, फिर इसलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए उन्होंने यहाँ भेजा। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।